नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको कितना घंटा पढ़ना चाहिए। इस समय 10th और 12th का पेपर होने वाला है बहुत जल्दी, तो 10th और 12th वालों के लिए आज मैं बताऊंगा कि आपको कितना घंटा पढ़ना चाहिए, कितने घंटे आपके लिए ज़रूरी हैं, तब आप जो है एजुकेशन की फील्ड में बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे। टॉपर के लिए वीडियो है, और जो इसमें मीडियम वाले बच्चे हैं ना, ज़्यादा पढ़ने में तेज ना ज़्यादा जो है धीमे, उनके लिए भी है, क्योंकि वो यदि इतना घंटे पढ़ेंगे तो वो भी बहुत आगे जाएंगे, क्योंकि इंसान कोई टॉपर ऐसे नहीं बनता है, वो शुरू से धीरे 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 मेहनत करते हुए तब आगे जाता है। इसीलिए आज से यदि आप इतना फॉलो करने लगे ना, इतने घंटे पढ़ने लगे, तो आप एक महीने बाद रिजल्ट देखना, पेपर आते आते आप बहुत चेंज हो जाओगे, और जो है 90% आसानी से लाओगे, कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं। तो सबसे पहले क्लास 10th के लिए बात करते हैं कि 10th वालों को कितना घंटा पढ़ना चाहिए। 10th वाले छोटे बच्चे होते हैं, तो उनके लिए मैं बता दूँ, उनके लिए ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, 5 घंटे मिनिमम, 5 घंटा आप मिनिमम पढ़ेंगे, और मैक्सिमम यदि आप पढ़ने की बात रही तो 7 घंटे, यानी 5 से लेकर 7 घंटे आपको पढ़ना है। और मैं अपनी पसंद की बात करूँ तो मैं क्लास 10th में 6 घंटे पढ़ता था, तो आप भी 6 घंटे जो है मान के चल सकते हो, 6 घंटे पढ़ सकते हो। क्लास 10th में हो तो मान के चलो 5 से 7 घंटे के बीच में आप कुछ भी कर सकते हो, 5.5 घंटे 7 घंटे इतना पढ़ सकते हो। इससे ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप अभी छोटे हो, उतने बड़े नहीं हो, कितना जो है झेल सको, 5 से 7 घंटे बहुत है, इनफ है। आप आसानी से 90% लेओगे, आपका सिलेबस पूरा तैयार हो जाएगा, आपके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा हो जाएगी, आप किसी को पढ़ा भी सकते हो, 10th में रह के 10th वालों को भी पढ़ा सकते हो, इतनी नॉलेज आ जाएगी। यदि 5 से 7 घंटे आप पढ़ लेंगे लगातार, 1 महीने फॉलो करके देखिए, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 1 महीने बाद आपका लाइफ बदल जाएगा। अब हम बात करते हैं क्लास 12th वालों के लिए। ये अब बड़े हो चुके होते हैं, मैच्योर हो चुके होते हैं, तो इनके लिए क्लास 12th वालों के लिए जो है टाइम थोड़ा सा बढ़ाया गया है, बस इतना कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ाया गया, थोड़ा सा। क्लास 12th में कोई है तो उसको मिनिमम 7 घंटे पढ़ना चाहिए, मिनिमम 7 घंटे पढ़ना चाहिए, और उसको मैक्सिमम जो है 12 घंटे, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। अब मैं सेफ जोन की बात करूँ तो सेफ जोन में जो है 8 आवर से लेकर 10 घंटे, 8 से जो है 10 घंटे इतना पढ़ना चाहिए, 8 से 10 घंटे पढ़ना चाहिए। यदि कोई क्लास 12th में है तो उसको 8 से 10 घंटे के बीच में पढ़ना चाहिए, और इससे ज़्यादा पढ़ना चाहता है तो 12 घंटे तक पढ़ सकता है। 12 घंटे से ज़्यादा भैया कभी मत पढ़ना, बस 12 घंटे आपके लिए बहुत इनफ है, और सेफ जोन है जो 8 से 10 है। मैं पर्सनली अपनी बात करूँ तो 10 घंटे पढ़ता था क्लास 12th में जब था, तो आप भी उतना पढ़ सकते हो, 10 जो है 10 घंटे आसानी से निकल जाएंगे, आसानी से मिल जाएंगे। 24 घंटे का दिन होता है, 24 घंटे में यदि आप जो है 8 घंटे सोओगे तब भी आपके पास 16 घंटा होगा, 16 घंटे में भैया 10 घंटे नहीं निकल सकते हो, आसानी से निकल जाएगा। अब 10 के 8 ही पढ़ोगे तब भी आपके जो है मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो बस एक अब मोटा मोटा आपको बता दूं, यदि मेरे हिसाब से कोई चलना चाहे तो उसके लिए क्लास 10th में भैया 6 घंटे की स्टडी इनफ है, और क्लास 12th में उसके लिए जो है 8 से 9 घंटे, मान के चलिए 9 घंटे की स्टडी इनफ है, 6 घंटे 9 घंटे इतना आप फॉलो कर लीजिए। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका जो है जीवन बदल जाएगा, आपका जो है लाइफ में चेंज आ जाएगा, आप बहुत आगे निकल जाएंगे। तो बस आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।